ऊनत्रिंशोऽध्यायः अथातो दश प्राणायतनियम अध्यायम व्याख्यासामः। आज हम ये अध्याय देखने जा रहे हैं, इसका पारायण करेंगे। तत्पूर्व कुछ अतीतावेक्षण में जाएंगे, कुछ बहुत ही यूनिक बात आपको बताऊंगा। स्वस्थ चतुष्क पहला अध्याय पहला श्लोक इस मात्रा शिष्यात, यानी कि आपको स्वस्थ रहना है तो मात्रा में खाना खाना है। मात्रा मतलब क्या है, कौन सी मात्रा में खाना खाया जाना चाहिए, ये चरक विमान 2 में है, वाग्भट सूत्र 8 में है। यदि आप ये पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितनी मात्रा पर्याप्त है। या आपने खुद फॉलो करना शुरू कर दिया तो बस यही चीज़ों को पेशेंट में एक्सप्लेन करना है। बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर सेल्फ द पेशेंट इज बाउंड टू फॉलो यू। आपने आचरण में लाया है तो आपके जो विचार होंगे वो अंदर से आए हुए रहेंगे, और कोई भी अंदर की बात किसी को बिना छुए तो रहती है नहीं। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। इफ दैट इज द क्रक्स, पहला वर्ड स्वस्थ चतुष्क का भगवान चरक कहते हैं, इट्स वेरी पावरफुल वेरी इम्पैक्टफुल। आप्त वचन है, ट्रस्ट, फॉलो इट, प्रीच इट, प्रैक्टिस इट, सिंपल। दैट इज फॉर मंद बुद्धि। मात्रा शब्द का एक और अर्थ होता है जो हमने परतंत्र अवलोकन से ढूंढा है भगवद्गीता से, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो श्लोक है भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 का। यहाँ पर मात्रा शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। तो सभी इंद्रिया भी कहीं ना कहीं मात्रा है, और सभी इंद्रिया अपने आप में एक स्पर्शन इंद्रिय है। ये चरक शरीर 1 से समझ में आता है पढ़ने से, और चरक सूत्र 11 से भी समझ में आता है। तो सभी इंद्रिया कहीं ना कहीं स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्शन इंद्रिय जैसे कि हम सब जानते हैं सभी के सभी का संबंध वायु से है। वायु का सीधा सीधा संबंध मन से है, है ना। इंद्रियाणां मनोनाथः मनोनाथस्तु मारुतः, ये योग वचन है। आई रिपीट, इंद्रियाणां मनोनाथः मनोनाथस्तु मारुतः। इसलिए यदि आपने वायु को जीत लिया तो मन को जीता जाएगा, मन को जीत लिया तो इंद्रियों को जीता जाएगा, और इंद्रिय जयो नंदनाणां। इसलिए मंद बुद्धि के लिए मात्रा शिष्यात आहार से रिलेटेड है 5th अध्याय। तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, हाइएस्ट सत्व के मैनिफेस्टेशन के लिए 8वां अध्याय है इंद्रिय उपक्रमणीय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वायु को जीत लिया, उसने मन को जीत लिया, रस धातु को प्रॉपर कर लिया, रस धातु प्रॉपर हो गया तो प्रीणन अच्छा हो गया, यापन अच्छा हो गया, वर्धन अच्छा हो गया, हृदय के सभी भाव शुद्ध हो गए, हृदय के सभी भाव शुद्ध हो गए तो पूरा का पूरा षडंग शुद्ध हो गया, पूरा का पूरा षडंग शरीर अच्छा हो गया। राइट, रिलेशन समझ में आ रहा है स्पर्शन इंद्रिय का, वायु का, रस का। अब आयुर्वेद में 2 अर्ध चिकित्सा बताइए। एक अर्ध चिकित्सा है बस्ती, बस्ती का साक्षात इफेक्ट जो है ये सूक्ष्म अपांच भौतिक वायु पर भी होता है, निरूह बस्ती का खास करके, और स्थूल वायु पर भी होता है अनुवासन बस्ती का। बस्ती आदि चिकित्सा है, यानी कि यू कैन ट्रीट एनी डिजीज विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड युक्ति ऑफ बस्ती। सो बस्ती का संबंध फिर से देखिए, वायु से कैसे है, स्पर्शन इंद्रिय से कैसे, फिर रस से कैसे होगा। और दूसरी आदि चिकित्सा है रक्तमोक्षण। राइट, प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, अगेन प्राण वायु का कनेक्शन रक्त से कैसे है, रक्त कैसे अर्ध चिकित्सा है। जिसने रक्तमोक्षण को मास्टर कर लिया उसने बाकी के आदि चिकित्सा को मास्टर कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है प्रैक्टिस में, एक बस्ती को मास्टर करना है, एक रक्तमोक्षण को मास्टर करना है एट योर लेवल। डू यू एग्री, टाइप इन द चैट बॉक्स, है ना। जाहिर सी बात है हमने सिर्फ इन रेफरेंसेस के आधार पे ये बात छेड़ी है, और किसी को तो आदि चिकित्सा बोला ही नहीं है, वमन को नहीं बोला है, विरेचन को नहीं बोला है, रक्तमोक्षण को ही बोला है और बस्ती को ही बोला है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ये इसी की वजह से है, क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध जो है ये वायु से है और रक्त से है, और रक्त जो है, वायु जो है, तो हमारे प्राणमय कोष और अन्नमय कोष के बीच का सबसे बड़ा कोई दुआ है तो वो रक्त है। रक्त के ऊपर वायु का इम्पैक्ट होता है, और अन्न का साक्षात इम्पैक्ट रक्त के ऊपर होता है। इसीलिए रस धातु अच्छा है और रक्त धातु अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते स्थौल्य कार्श रस निमित्ते धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। देखो हर जगह पर रस रक्त किस प्रकार से उसका इम्पैक्ट है पूरे शरीर पर। इस कड़ी में सबसे बड़ा अध्याय है दश प्राणायतनीय आज का। दश प्राणायतन मतलब जो दश प्राण के श्रेष्ठतम आश्रय बताए। प्राण का तो पूरा शरीर ही आश्रय है, चक्रपाणि टीका पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन श्रेष्ठतम ऐसे कोई आश्रय है
तो ये दश है, यहाँ पर प्राण विशेष रूप से रहता है, यानी कि यहाँ पर रक्त का विशेष रूप से मैनिफेस्टेशन है, यानी कि कोई भी स्थूल से लेकर सूक्ष्म व्याधि तक, कोई भी सिंपल से सिंपल लेकर गंभीर से गंभीर आईसीयू तक की कंडीशन तक, आपको इन प्राणायाम दोनों का विचार करना है। यहाँ पर रक्त को विजुअलाइज करना है, यहाँ पर वायु को विजुअलाइज करना है, यहाँ पर अभ्यंग का रोल है, यहाँ पर बस्ती का रोल है, यहाँ पर रक्त मोक्षण का रोल है, जहाँ पर जिस चीज का रोल है वो आपको देना है। यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का रोल है, यहाँ पर पारायण का रोल है, वैद्य के लेवल पर पारायण, और जो लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं, जो पेशेंट, उनके लिए या तो श्रवण भक्ति, विष्णु सहस्त्र नाम, या अन्य किसी चीज जहाँ पर उनकी श्रद्धा है, या पारायण यदि वो करते हैं तो भगवद गीता का पारायण, ज्ञानेश्वरी का पारायण, इन सभी का सभी रिलेशन जो है ये हर एक व्याधि से रिलेटेड है। दैव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय, सत्वा बजाय, अगेन सेम कनेक्शन। दैव उपाश्रय सबसे प्रथम चिकित्सा है, सबसे आद्य चिकित्सा है, आशु व्याधिकर हरत्वात कहा गया है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर सटल एनर्जीज, डायरेक्टली मन को, इंद्रियों को छूती है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को छू लिया तो अपने आप प्राणमय कोश और अन्नमय कोश पे अच्छा काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये किनके लिए? जिनमें ऑलरेडी सत्व का एलिमेंट हाई है या भक्ति जिनसे जुड़ी हुई है। लेकिन जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल है, यानी कि जो फुलिश पीपल है, उनके लिए फिर हमें चरक सूत्र 5 से जाना पड़ेगा, मात्रा शिष्यात, फिर वो धीरे 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 किसी जन्म तक चरक सूत्र 8 तक पहुंचेंगे, और न जाने कितने जन्म लग जाएंगे चरक सूत्र स्थान 29 तक पहुंचने के लिए। आइए पारायण करते हैं। पहले चरक प्रेयर बोलेंगे, हाथ रखते हुए हृदय पर, 10 प्राणायतन है, सबसे श्रेष्ठ प्राण के आयतन हृदय पर हाथ रखना है। हमारा जो हृदय है ये ऐसा लेफ्ट साइड में टिल्ट नहीं है, हमारा जो हृदय है ना, हम हमेशा सेंटर में रखते हैं हमारा हाथ। आयुर्वेदोक्त जो हृदय है उसमें पूरा का पूरा वो प्रदेश अपेक्षित होता है, इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं हृदय से बोल रहा हूँ तो हम कुछ ऐसा तरीके से उसको टच नहीं करते, हम सेंटर में रखते हैं, स्टर्नम की तरफ। तो वहां पर आपको हाथ रखना है और फील करना है अभी। ओ चरक, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस, वेर देर इज हेट्रेड लेट मी सो लव, वेर देर इज डाउट फेथ, वेर देर इज डिस्पेयर होप, वेर देर इज डार्कनेस लाइट, वेर देर इज सैडनेस जॉय, ओ डिवाइन मास्टर, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again to eternal life. आयुर्वेद का लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का और मॉडर्न के एनोलॉजी में देखे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कोई सूत्र है जो स्पर्शेंद्रिय के मार्फत, स्पर्शेंद्रिय के थ्रू आपकी सटल एनर्जीज को कनेक्ट करता है। यदि आप भक्ति भाव से बोलो तो वातुर रक्षा स्तोत्र है, उसका उच्चारण करेंगे और फिर 10 प्राणायतनीय अध्याय का पारायण करेंगे। तो चरक सुश्रुत सूत्र स्थान 5th अध्याय श्लोक नंबर 20 आतुर रक्षा स्तोत्र, जहां कर कोई भी आप बैठे हो प्राण मुद्रा में, एक हाथ प्राण मुद्रा में रहेगा, शेष 3 उंगलियां उन श्लोकों पर से घूमेगी, बुद्धि बंद हो जाएगी, सिर्फ अंतर मन से इन नादों को, इन उच्चारणों को हम सुनेंगे, दोहराएंगे, वॉट एवर दैट इज पॉसिबल फॉर यू। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षो भयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद्दनुमन्यतां नागापिशाच गंधर्वा पितरो यक्ष राक्षसः अविद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्र पान्तु त्वां ते नमस्कृतः पान्तु त्वान् मुनयो ब्रह्म्य दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागरः अग्नि रक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुः तथैव च सोमो व्याणम् अपानन्ते पर्जन्या परिरक्षतु उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवः बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ने मतिं तथा कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्वम् इन्द्रो अविरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुः सूर्यो दिशः श्रोत्रे चन्द्रमः पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव प्रेतस्त्वाप्यायन्त्वापो रोमान्य ओषधयस्तथा
आकाशम खानिते पांतु देहम तव वसुंधरा वैश्वानरश्र पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देही विशेषेण तव नित्या हि देवतः एतास्त्वं सततं पांतु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्र कुर्वतां स्वस्ति ते चंद्र सूर्यौ च स्वस्ति नारद पर्वतौ स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवा सैन्द्रगः पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवद्गतव्यथाः एतै वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधि विनाशनैः मैवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। जो भी संहिता आपके पास है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उसको हक करते हुए अश्विनी मंत्र बोलेंगे और फिर दश प्राणायतनीय अध्याय का उच्चारण करेंगे। ओम अश्विनायज्वरीरिषो त्रवत्पाणिषु वस्पति पुरुभुजा च नस्यतम् ओम अश्विनायज्वरीरिषो द्रवत्पाणिषु 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 वस्पति पुरुभुजा च नस्यतम् ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन है जीत हस्ता में बनना है। हमारे स्पर्श मात्र से एक व्यक्ति ठीक हो जाए, ये हमारी हाईएस्ट लेवल का मिशन होना चाहिए। अगेन स्पर्श विज्ञान है, तो वो स्पर्श को एक्टिवेट करने के लिए भक्ति भाव से दोनों हाथों को सामने लाते हुए, हाथों में ही किस प्रकार से भगवान है और हाथों के ही माध्यम से आप कितनी सारी चीजों को ठीक कर सकते हो, इस भाव से इस मंत्र को बोलेंगे, सुनेंगे, दोहराएंगे। अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तराहा अयम मे विश्वभेषजो अयम शिवाभिमर्षणाहा अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तराः अयम मे विश्वभेषजो अयम शिवाभिमर्षणाः अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तराः अयम मे विश्वभेषजो अयम शिवाभिमर्षणाः। अभी जो भी कोई ऊर्जा इकट्ठी की है वो पूरे के पूरे शरीर के ऊपर स्पर्श करना है, स्पर्श विज्ञान, और इसी स्पर्श विज्ञान को तीनों उंगलियों पे लाते हुए अब पारायण का स्टार्ट करना है। ऊन त्रिंशो अध्यायः अथातो दश प्राणायतनीयम् अध्यायम् व्याख्यास्यामः इति अस्मः भगवान् आत्रेयः। दशैव आयतनान्याहु प्राणायेषु प्रतिष्ठिताः शङ्खौ मर्मत्रयम् कण्ठो रक्तम् शुक्रोजसीगुदम् तानि इन्द्रियाणि विज्ञानम् चेतना हेतु मामयान् जानिते यस्स वै विद्वान् प्राणाभिसर उच्यते द्विविधास्तु खलु भिषजो भवन्ति अग्निवेश। प्राणानाम एको अभिसारा हंतारो रोगाणाम रोगाणाम एके अभिसारा हंतारा प्राणानाम इति एवं वादिनं भगवन्तं आत्रेयं अग्निवेश उवाच। भगवनस्ते कथमस अस्माभिर् वेदितव्या भवेयुर् इति भगवान उवाच। ये इमे कुलिनः पर्यवदात् श्रुताः परिदृष्ट कर्माणां दक्षः शुचयो जीतहस्ता जितात्मानः सर्व उपकरणवन्तः सर्वेन्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिज्ञाः प्रतिपत्तिज्ञाश्र ते ज्ञेयाः प्राणानाम् अभिसरा हन्तारो रोगाणां तथा विदाहि केवले शरीरज्ञाने शरीर अभिनिवृत्तिज्ञाने प्रकृतिविकारज्ञाने च निःसंशयाः।
सुख साध्य कृच्छ साध्य याप्य प्रत्याख्याणाम च रोगाणाम समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेष ज्ञाने विपगत संदेह त्रिवेदस्य आयुर्वेदस्य सूत्रस्य संग्रह स संग्रह व्याकरणस्य स त्रिविध औषध ग्रामस्य प्रवक्तारः पंचत्रिंशतो मूलफलानां चतुर्णां च स्नेहानां पञ्चानां च लघुनानां अष्टानां च मूत्राणाम् अष्टानां च क्षीराणां क्षीरत्वकवृक्षाणां च षण्णां शिरोविरेचनादेश्च पञ्चकर्माश्रयस्य औषधगणस्य अष्टविंशतेश्च यवागुणां द्वात्रिंशत्चूर्णप्रदेहानां षण्णां च विरेचनशतानां पञ्चानां च कषायशतानां प्रयोक्तारः स्वस्थवृत्तविहितभोजनपाननियमस्थानचङ्क्रमण शयन आसन मात्रा द्रव्य अंजन धूम नावन अभ्यंजन परिमार्जन वेग विधारण विधारण वेग अविधारण विधारण व्यायाम सात्म इंद्रिय परीक्ष उपक्रमण सदवृत्त कुशलाः चतुष्पाद उपगृहिते च भेषजे षोडशकले सविनिश्चये सत्रिपर्येषणे सवात कलाकल ज्ञाने विपगत संदेह चतुर्विधस्य च स्नेहस्य चतुर्विंशति उपनयस्य उपकल्पनीयस्य चतुष्षष्टि पर्यंतस्य च व्यवस्थापयितारः बहुविध विधान युक्तानां च स्नेहस्वेद वम्य विरेच्य विविध औषध उपचाराणां च कुशलः शिरोरोगादेर दोष अंश विकल्पजस्य च व्याधि संग्रहस्य सक्षय पीडका वितरदेस्त्रयाणां च शोफानां बहुविध शोफ अनुबन्धानां अष्टचत्वारिंशतश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिंशत् उत्तरस्य च नानात्मजस्य व्याधिशतस्य तथा विघरता अतिस्थूल अतिकृशाणां सहेतुलक्षण उपक्रमाणां स्वप्नस्य च हिताहितस्य अस्वप्नातिस्वप्नस्य च सहेतु उपक्रमस्य षण्णां च लङ्घनादि उपक्रमाणां संतर्पण अपतर्पण अपतर्पणजाणां च रोगाणां स्वरूप प्रशमनानां शूनितजाणां च व्याधीनां मदमूर्छा संन्यासानां च सकारण रूप औषधोपचाराणां कुशलः कुशलश्च आहारविधि विनिश्चयस्य प्रकृत्या हिताहितानाम् आहारविकाराणाम् अग्रे सङ्ग्रहस्य आसवानां च चतुर शीतेर्द्र द्रव्यगुणकर्म विनिश्चयस्य रसानुरस संश्रयस्य सविकल्प वैरोधिकस्य द्वादशवर्गाश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य सानुपानगुणस्य नवविधस्य अर्थसङ्ग्रहस्य आहारगतेश्च हिताहित उपयोग विशेषातात्मकस्य च शुभाशुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणां च रोगाणां स औषधसङ्ग्रहाणां दशानां च प्राणायतनानां यञ्च वक्षाम्य अर्थे दशमहामूलिये त्रिंशतम् अध्याये तत्र च कृत्स्नस्य तन्त्र उद्देशलक्षणस्य तन्त्रस्य च ग्रहणधारणविज्ञान प्रयोगकर्मकार्य कालकर्तुकर्णकुशलः कुशलाश्च स्मृतिमतिशास्त्र युक्तिज्ञानस्यात्मनः शीलगुणैः विसंवादनेन च सम्पादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य मातापितृ भातृबन्धुवत् एवं युक्ता भवन्ति अग्निवेश प्राणानाम् अभिसरा हन्तारो रोगाणाम् इति अतो विपरीता रोगाणाम् अभिसरा हन्तारः प्राणानां विषक्षद्म प्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपक सधर्माणो राज्ञां प्रमादाचरन्ति राष्ट्राणि तेषामिदं विशेषविज्ञानं भवन्ति अत्यर्थं वैद्यवेषेण श्लाघमाणा विषिकान्तरम् अनुचरन्ति कर्मलोभात् श्रुत्वा च कस्यचित् आतुर्यम् अभिमताः परिपतन्ति संश्रवणे चास्यात्मनो वैद्यगुणान् उच्चैर्वदन्ति यश्चास्य वैद्य प्रतिकर्म करोति तस्य च दोषाणां मुहुर्मुहुर् उदाहरन्ति आतुरमित्राणि च प्रहर्षण उपचापो उपसेवादि इच्छन्ति आत्मीकर्तुं स्वल्प इच्छितुं चात्मनः ख्यापयन्ति कर्म चासाध्य मुहुर्मुहुर् अवलोकयन्ति दाक्षज्ञानम् आत्मनः प्रच्छादयतु कामः व्याधिं चापावर्ति इति उमशक्नुवन्तो व्याधितम् एव अनुपकरणं परिचारकम् अनात्मवन्तम् उपदिशन्ति अन्तगतं च एनम् अभिसमीक्ष्य अन्यम् आश्रयन्ति देशमपदेशम् आत्मनः कृत्वा प्राकृतजनसन्निपाते च आत्मनः कौशलम् अकुशलवद् वर्णयन्ति अधीरवच्च धैर्यम् अपवदन्ति धीराणां विद्धजनसन्निपातं च अभिसमीक्ष्य प्रतिभयम् इव कान्तरम् अद्वगाः परिहरन्ति दूरात् यश्चेषां कश्चित् सूत्रावयवो भवत्युपयुक्तस्तं प्रकृते प्रकृतान्तरे वा सततम् उदाहरन्ति न च अनुयोगम् इच्छन्त अन्योक्तं वा मृत्योरिव च अनुयोगात् उद्विज्यन्ते
न च एषाम् आचार्यः शिष्यः सब्रह्मचारी वैवादिको वा कश्चित् प्रज्ञायत इति भवन्ति चात्र विषक्षद्मश्च प्रविश्येवं व्याधिस्तां तर्कयन्ति ये वितंस्तं वितंसमिव संश्रित्य वणेशा कुन्तिका द्विजान् श्रुतदृष्टिक्रियाकाल मात्राज्ञान बहिष्कृतः वर्जनीया हिते मृत्यो चरन्त्यनुचरा भुवि वृत्तिहेतोर्भिषज्ञान पूर्णान्मूर्ख विशारदान् वर्जयेत् आतुरो विद्वान् सर्पास्ते पीतमारुतः ये तु शास्त्रविदो दक्षा शुचया कर्म कोविदः जीतहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः। तत्र श्लोका दश प्राणायतनिके श्लोकस्थानार्थ संग्रह द्विविधा विषक्चौक्ता प्राणस्यायतनानि च इत्यग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोकस्थाने दश प्राणायतनियो नामों त्रिंशदो अध्यायः। फिर से आतुर रक्षा सूत्र बोलेंगे और इस संपुट को पूर्ण करेंगे ताकि ये दश प्राणायतन अध्याय हमारे तन मन अंतरंग में कॉन्शियस सब कॉन्शियस हर एक लेवल पर इसकी कंसेप्ट जो है वो अंदर फीड हो जाए। आतुर रक्षा सूत्र कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षो भयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद्धनुमन्यतां नागापिशाच गंधर्वा पितरो यक्ष राक्षसः अविद्रवन्ति येये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षुवास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्म्या दिव्याराजर्षयस्तथा पर्वताश्रयेव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागरः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायु तथैव च सोमो व्याणम् अपानन्ते परिचन्या परिरक्षतु उदानं विद्युदा पान्तु समानं स्तनयत्नवः वनं इन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिन्तथा कामांसि पान्तु गन्धर्वा सत्त्वम् इन्द्रो अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुःसूर्यो दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव प्रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमान्योषधयस्तथा आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्चरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च पूर्वतां स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगः पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवद्गतव्यथाः इति स्वाहा। एतैः वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। फिर से आपकी तीनों उंगलियां लेकर जो जो श्रेष्ठतम दश प्राणायतन के स्थान आप फील कर सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो उन सभी पर आपको इन तीन उंगलियों को रखना है और जस्ट इन वाइब्रेशंस को शांति से फील करना है। शंखऊ दोनों शंख प्रदेश ये मर्म चिकित्सा है। मर्मत्रयम हृदय प्रदेश हृदय प्रदेश शिर अधिपति मर्म की तरफ तीनों उंगलियों से हल्का हल्का स्पर्श करना है। नाभि रीजन विकंठ पूरा का पूरा तीनों उंगलियों से जहां कहीं पर भी बैठे हो वहां से आपका नीचे का जो स्थान है सैक्रम बोन के नीचे वहां पर ये तीनों उंगलियां मतलब छह उंगलियां रखोगे पीछे पीछे ऐसा सिर्फ एकदम एंड पे जहां पर बेड से या जमीन से आपका स्पर्श हुआ है और वहां पर फील करना है
कि ये वाइब्रेशन प्योरिटी जो है वो आपकी मूलाधार चक्र बुध की तरफ, ये जहाँ पर कुंडलिनी स्थित होती है उस रीजन पे ये वाइब्रेशंस रहेंगी। और लास्ट है शुक्र और रक्त, जो कि संपूर्ण शरीर में है, पूरा प्राण जो है इन दोनों के ऊपर है, शुक्र और रक्त के ऊपर। तो इसको पूरा का पूरा हमारे सभी उंगलियों को, हथेलियों को पूरे शरीर पे से घुमाएंगे सर। इस तरीके से एक प्रकार से प्राण की विशुद्धि या प्राण का स्टेबिलाइजेशन रक्त के मार्फत से किया जा सकता है। कैसा लग रहा है? यस, इट्स रियली रियली वंडरफुल। ये जो दोनों अध्याय है 29-30, हम एंड में आ गए अभी सूत्र स्थान के। संग्रह अध्याय ने कह दिया, संग्रह मतलब सिर्फ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलेक्शन नहीं है, तो ये श्रेष्ठतम कलेक्शन है। सार सार भागे, जब कोई व्यक्ति चला जाता है या एंड में होता है ना, कि कहते हैं कि मृत्यु समीप आ गई तो सच ही बोलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएगा। ठीक उसी तरह अभी सूत्र स्थान के हम एंड में है, तो एंड में भगवान चरक और भी सूक्ष्म गहन विषय, कोडेड लैंग्वेज की चीजें जो सिर्फ तीक्ष्ण बुद्धि को या हाई सत्व को या हाई भक्ति वाले लोगों को ही समझ में आएगी, ऐसी कुछ बातें इस अध्याय में रखते हैं, है ना। पूर्व के अध्याय में प्राणायतन समुत्थ इस वर्ड का यूज किया गया है, इसीलिए फिर इस अध्याय का वर्णन है। ऐसा चक्रपाणी का मत है, दश प्राणायतनीय, उसका वर्णन करने के लिए। अब ये दश स्थान कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसकी टीका में दिया है कि ये सिर्फ ये दश स्थान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सभी के सभी, पूरा शरीर ही प्राण का स्थान है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक पेशेंट में इन स्थानों का परीक्षण, इन स्थानों पर चिकित्सा हमें करनी ही चाहिए। कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल चीजें, शंख क्या कर सकते हैं, उसका शंख स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ याद करना होता है ऐसा करते हैं नहीं, ये एक प्रकार से मर्म स्टिम्युलेशन है। हम शंख के ऊपर हाथ कर किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो नेचुरली हमारी कुछ कुछ क्रियाएं बॉडी लैंग्वेज उसकी तरफ अपने आप होती है। तो हर एक पेशेंट को आपको महाकल्याण घृत लेकर, अब ये आपकी बुद्धि से आप लॉजिक लगाइएगा, कौन से भी पेशेंट को, माइग्रेन से लेकर आईसीयू तक के पेशेंट को आप महाकल्याण घृत से यहाँ पर अभ्यंग कर सकते हो डेली। अधिपति पे तो करना ही है, ये सबका मर्मों का राजा है। एक्यूप्रेशर के भी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे DU20 ऐसा पॉइंट कहा गया है, सबसे श्रेष्ठतम पॉइंट है, शिखर पॉइंट है, ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और चरक भी इसके कोई विरोध में नहीं है, हमने देखा भेषज चतुष्क दूसरे अध्याय शुरुआत अपामार का टंडुल से है। टीका में क्लियर कट लिखा है, शिर प्रधानम इंद्रियाणाम ऊर्ध्व मूलो अधो शाखा शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राणवाहानी च श्रोतांसी चरक सिद्धि स्थान 9। तो शिर का अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस चरक भी स्वीकृत करते हैं, हृदय का भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस स्वीकृत करते हैं। शिर और हृदय ये कोई कंफ्यूजन का भाग नहीं है, शिर और हृदय आपस में एक दूसरे से काम करते हैं। इंद्रिया हृदय में भी स्थित है, इंद्रिया शिर में भी स्थित है, शिरसी इंद्रियाणी चरक सिद्धि स्थान में कहा है। और हृदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी इंद्रिया हृदय में रहती है, तो कोई ये मत मतांतर नहीं है, आपस में कनेक्शन है। रक्त के मार्फत से ये श्रेष्ठ भाव एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, मन हृदय में भी है और मन शिर में भी है। सो इट्स नॉट एट ऑल मिसकंसेप्शन, दे वेर क्रिस्टल क्लियर, उनकी कंसेप्ट काफी क्लियर थी कि कहाँ पर कौन सी चीज है, सिर्फ कौन सी जगह पर कौन सी चीज किस प्रकार से बतानी है उस हिसाब से वो बताया जाता है। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। फिर मर्मत्र यानी कि हृदय बस्ती शिर, हृदय के लिए अगेन जो जो रुद्ध चीज है उसका सेवन करना है, अन्नम वृत्ति करना मात्रा शिष्यात, वो डेफिनेटली बाकी जो रस चीज रस धातु को अच्छा बनाएगी उसके लिए सभी चीजें आपको करनी है, अभ्यंग करना है, एवरीथिंग उसमें आ गया। फिर शिर के लिए नित्य प्रतिमर्शनस्य नित्य शिरोभ्यंग और अधिपति मर्म स्टिम्युलेशन, इतनी चीजें भी पर्याप्त है शिर के लिए।
बस्ती बस्ती जेशु गिरिजम भागवत का आग्रह है। तो शिलाजीत ये कोई भी अत्यधिक कंडीशन में भी काम आने वाली दवाई है। शिलाजीत का ऐसा एक योग जिसकी फलश्रुति में शिव और प्राणदेह शब्द का वर्णन किया गया है। ऐसा कौन सा योग है? प्राणदाह सर्वरोगाणाम शिवाह, इस प्रकार का वर्णन शिलाजीत का योग है। आप सभी जानते हैं इस योग को, आप यदि प्राणायतन पे काम करना है तो आप हर जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा है? शिवा गुटिका इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कल्प, वेरी नाइस, भाष्यज रत्नावली में आया हुआ है। बट एक ऐसा द्रव्य है जो सभी पंचकोशों पे काम करता है कहीं ना कहीं पर। बहुत ही ब्यूटीफुल वेपन टू हैव इन आर आर्मरी। विच वन इट इज? सभी जानते हैं। नहीं 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 चंद्र प्रभा नहीं है। कौन सा है, कौन बताएगा? वेरी सिंपल, अगर आप में भक्ति है, सच्ची निष्ठा है, करुणा है और आपके पास ये एक दवाई भी है तो पर्याप्त है आप किसी भी ट्रीशन को ट्रीट करने के लिए। नहीं आरोग्य वर्धिनी तो चरक में है ही नहीं, हम तो चरक के अनुयायी है, पहले चरक फिर बाद में बाकी की चीजें। चरक के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आइडियली। बता दू या ढूंढोगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सौमित्र मैम ने आंसर बता दिया, इट्स नथिंग बट योगराज, यानी कि ताप्यादि नाम से जो प्रचलित है। अब ताप्यादि को दशैव प्राणायतन आणि आहु इस एंगल से सोचिएगा। ताप्यादि लोह शंख पे काम करता है क्या, मर्मत्रय पे काम करता है क्या, कंठ पे, रक्त पे, शुक्र पे, ओज पे, गुद पे काम करता है क्या, आपको सोचना है, देखना है। ताप्यादि की लास्ट लाइन भी आप देखो ना तो भी समझ में आ जाएगा क्या है उसकी विशेष फलश्रुति ताप्यादि लोह की। स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कहाँ पर आया था पहले, पांडु में आया ना, पांडु रोग चिकित्सा में आया, राइट। विशेष फलश्रुति क्या बताइए, कौन बताएगा? ये योगराज नाम से फेमस है, चरक ने उसे योगराज कहा है और बाद में फिर उसे ताप्यादि नाम से लिया गया। लास्ट लाइन देखिए क्या है उस की फलश्रुति, विशेषात हंति अपस्मारम कामलाम गुद जानी च। कनेक्शन समझ में आ रहा है? अपस्मार यानी कि शिर हृदय सबसे रिलेटेड, कामला रक्त से रिलेटेड, गुद इटसेल्फ इज अ मर्म, इटसेल्फ इज अ दश प्राणायतन, और ये विशेषाधंति है, उसका विशेष इफेक्ट है। सामान्य इफेक्ट से तो बाकी की सभी चीजें कवर होती ही है। सो एक ताप्यादि भी आपने मास्टर कर लिया, ढंग से बनाया, भक्ति से बनाया, विष्णु सहस्रनाम से सिद्ध करके बनाया, तो देखिए क्या क्या चमत्कार हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ ताप्यादि लोह एंड सम टाइम से 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में भी यू विल योर सेल्फ प्रिपेयर ताप्यादि लोह। करेंगे, वेरी नाइस, वंडरफुल। अभी इस अध्याय में आपको सिर्फ पढ़ना है अवेयरनेस के साथ। ये काम एक्चुअली हमने करना चाहिए था लेकिन चरक जानते थे कि हम आलसी है तो उन्होंने सब समराइज कर दिया है कि अब तक कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 28 अध्याय में हमने अब तक देखी है। तो इसको अवेयरनेस के साथ एक एक शब्द माइंड पर इस्टेब्लिश होना चाहिए। इसको मैं क्लिनिकली कैसे यूज करूँ? जो चीज क्लिनिकल यूज करना पॉसिबल नहीं उसको छोड़ दीजिए। अष्टमूत्र है, सबके साथ यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो आप प्रैक्टिकली कौन से यूज कर सकते हो या अभी नहीं कर रहे हो लेकिन कर सकते हो? इस अवेयरनेस के साथ एक आपको पूरा का पूरा रेडी रेकनर मिलेगा कि कौन सी चीजों को आपको संग्रह करना है औषधि के रूप में, आपके मन में कौन सी चीजों का उगम होना जरूरी है, पेशेंट को कौन से एंगल से देखना है, ये सभी के सभी चीजों का सारांश इस अध्याय में आ चुका है। तो बस ये आपको एक बार शांति से आराम से अवेयरनेस के साथ पढ़ना है और हो सके तो इसका माइंड मैप बनाना है कि कौन से भावों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है एक पेशेंट का परीक्षण करते हो। इसका सबसे सुंदर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो यह अध्याय है। ऐसा है यदि करेंगे तो विमल विपुल बुद्धि आकुली कुरियु नहीं होगा, हमारी बुद्धि विमल भी रहेगी विपुल भी रहेगी क्योंकि माइंड मैप रहेगा हमारे सामने। इन 30-40 चीजों का परीक्षण हमें हर एक पेशेंट में करना है
खास करके गंभीर पेशेंट में, तो एक भी भाव उसका छूटेगा नहीं और आशु सिद्धि प्रपद देते, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। फिर सच्चा वैद्य कैसा होना चाहिए वो बता दिया है। रोगाभिसर कौन होता है, प्राणाभिसर कौन होता है, हमें प्राणाभिसर वैद्य बनना है जो प्राण की निर्मिति करता है, प्राण का स्थापन करता है, ना कि जो रोग का स्थापन करता है। रोगाभिसर वैद्य नहीं बनना है। सेवेंथ श्लोक लास्ट लाइन देखिए कितनी ब्यूटीफुल लिखी है कि माता पिता भाई बंधु के समान जो सभी प्राणियों में मन एवं मैत्री के द्वारा समान व्यवहार करने में कुशल इस प्रकार से होते हैं, हे अग्निवेश, इस प्रकार के वैद्य प्राणाभिसर अर्थात प्राण रक्षक और रोगनाशक होते हैं। यानी कि मुन्ना भाई में जो कंसेप्ट बताई है उन्होंने, संजय दत्त की कंसेप्ट कि पुत्रवद एवेनम उपाचरित, जप्पी क्या महत्व, आपको वो पुत्र दिखना चाहिए, वो करुणा भाव आतुर को देखते वक्त आना चाहिए, ये फिर से उन्होंने एम्फसाइज किया है लास्ट लास्ट की लाइन में। और इस प्रकार का वैद्य और बाकी के जो सब गुण उसमें जिसमें है वो चिकित्सा कुशलश्च साहा प्राणाभिसर साहा, इस प्रकार का वैद्य वो होता है। और इस अध्याय के थ्रू हम फिर से प्रेरणा लेंगे कि हम इस स्तर का वैद्य चरक को बन के दिखाएंगे या चरक की उस अवस्था को प्राप्त करके रहेंगे जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।